फर्स्ट पोलियो की टीम संता के घर है। संता ने अपनी वाइफ से कहा बंदूक और कारतूस कहाँ है। टीम भागी, पीछे से संता चिल्लाया ओए रुको ये मेरे बच्चों के नाम है। संता और पंता दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। टीचर ने उनसे कहा तुम दोनों ने अपने पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा है। तो संता ने कहा मैडम फिर आप कहोगे कि नकल मारी है किसी। अकबर ने बीरबल से तीन सवाल किए और कहा तीनों का आंसर एक ही होना चाहिए। दूध क्यों ऊपर जाता है, पानी क्यों बह जाता है, सब्जी क्यों चल जाती है। बीरबल ने कहा व्हाट्सएप चालू होने की वजह से। विद्यार्थियों की मम्मी कितनी अच्छी होती है, जब बच्चे कपड़े गंदे करके आते हैं तो कितने प्यार से धोती है। और यहाँ हम लोग कपड़े गंदे करके जाए तो पहले हम धुले जाते हैं बाद में कपड़े। रेलवे स्टेशन पर वाइफ ने हस्बैंड से कहा प्यास लगी है थोड़ा पानी पिला दो। हस्बैंड ने कहा कह दो बिरयानी खिलाऊं। वाइफ ने कहा वाह मुंह में पानी आ गया। हस्बैंड ने कहा इसी पानी से काम चला लो। एक आदमी ने भगवान से पूछा आपके लिए करोड़ों साल कितने होते हैं। भगवान ने कहा एक सेकंड के बराबर। आदमी ने कहा और एक करोड़ रुपए। भगवान ने कहा एक फूटी कौड़ी के बराबर। आदमी ने कहा तो क्या आप मुझे एक फूटी कौड़ी दे सकते हैं। तो भगवान ने कहा क्यों नहीं रुक एक सेकंड। मम्मी ने बेटे से कहा जरा पापा को बुलाना। बेटे ने पापा से कहा चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है। वाले ने कहा जय माता दी। एक बार इंद्रजीत धरती पर प्रकट हुए। उन्होंने भारत के तीन नेताओं को स्वर्ग ले जाने का फैसला किया मगर एक टेस्ट से गुजरने के बाद उन्होंने मोदी जी केजरीवाल जी और लालू यादव जी को बुलाया। उन्होंने सबसे क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन केजरीवाल जी से था। उनसे पूछा कि कैट की स्पेलिंग बताओ। केजरीवाल जी ने कहा सीएटी कैट, कैट मींस बिल्ली। तो बोले गुड स्वर्ग जाओ। सेकंड क्वेश्चन नरेंद्र मोदी जी से था। उन्होंने उनसे कहा बैट की स्पेलिंग बताओ। तो उन्होंने कहा बीएटी बैट, बैट मींस बल्ला, कैट गुड स्वर्ग जाओ। लालू जी से पूछा हाइपोथर्मिया की स्पेलिंग बताओ। लालू जी परेशान हो गए और उन्होंने आंसर दिया ई का इंद्रदेव उनसे सबसे रैग बैग और हमसे हाइपोथर्मिया। फिर से करें कि नाइन साफ ही है। तो बोले ठीक है लास्ट बार पूछता हूँ चलो वह जा रहा है कि मीनिंग बताओ केजरीवाल जी। तो उन्होंने कहा ही इज गोइंग, कह गुड सर जाओ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा मोदी जी से कि वह खाना खाता है।